अब एमसीक्यू नंबर 10 के ऊपर आ जाए। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, वो कह रहा है कि ए डॉट बी इज जीरो, इसका क्या मतलब है कि ये उसी वक्त पॉसिबल है जब थीटा 90 का होगा। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी कितना होगा। आपको पता है ए इज मैग्नीट्यूड, बी इज मैग्नीट्यूड, साइन 90 हो जाएगा फिर ये। अच्छा साइन 90 होगा तो ए मैग्नीट्यूड क्रॉस, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इसका आंसर आ जाएगा। और जो इसका आंसर बन रहा है, इसका आंसर है सी। अब वो कह रहा है कि जो एमसीक्यू नंबर 11 है उसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, मैं ऐसे कह लेता हूँ, उनका जो आंसर है वो दो को ऐड करो तो 16 आता है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आ सके आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फोर्स है कोई सपोज F1 और कोई ऐसे कोई दूसरी फोर्स है, ये F2 है, एक F1 है और एक F2 है, इन दोनों को ऐड करें तो वो कह रहा है 16 आ रहा है। इफ द रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो 8 न्यूटन का है, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, तो इन दोनों में से जो छोटा वेक्टर है उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट को मैं F लिख देता हूं और जो F है वो 8 न्यूटन। अब जरा देखें इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको जरा इन्हीं वेक्टर्स को दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये समझ लें ये F1 है, अच्छा ये समझ लें कि इसके ऊपर कोई F2 है ऐसे, ऐसे, और जो समझ लें कि रिजल्टेंट वेक्टर है वो छोटे वाले वेक्टर के ऊपर ये समझ लें इस तरह से। ये F है, ये समझ लें F1 है, ये समझ लें F2 है,
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पर जरा पैथागोरस थ्योरम लगाएं, आपको कैसा, ये जरा देखें, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। इस पे अगर हम पैथागोरस थ्योरम लगाएं तो एफ स्क्वेयर प्लस एफ वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ टू का स्क्वेयर, यहाँ पर हमें ये लग रहा है ना, हम इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा एफ स्क्वेयर प्लस एफ वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ टू स्क्वेयर। अच्छा, एक और हमारे पास ऑप्शन दूसरी भी थी, एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू 16 थी, एफ टू इज इक्वल टू 16 माइनस एफ वन। अगर मैं यहां से एफ टू का स्क्वेयर कर लूं तो यह आ जाएगा 16 माइनस, ये आ जाएगा। अब ये उठाकर यहाँ पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एफ स्क्वेयर। एफ की वैल्यू हमें पता है जो कि 8 है, प्लस एफ वन का स्क्वेयर रहने दें इज इक्वल टू 16 माइनस एफ वन का होल स्क्वेयर। अब जरा ये स्क्वेयर खोलें, 16 का स्क्वेयर प्लस एफ वन का स्क्वेयर माइनस 32 एफ वन। ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी का खोला है, इसको रहने दें तो ये आ जाएगा 256 प्लस एफ वन का स्क्वेयर माइनस 32 एफ वन विच इज इक्वल टू 64 प्लस एफ वन का स्क्वेयर। एफ वन का स्क्वेयर एफ वन के स्क्वेयर से कट गया तो आपके पास क्या बचा, 64 इक्वल्स 256 माइनस 32 एफ वन, तो ये आ जाएगा 32 एफ वन इज इक्वल टू, इसको उठाकर मैं इधर ले आता हूँ, इसको उठाकर इधर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा 256 माइनस 64, ये आ जाएगा 192 which is equal to 32 F1, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ये 6 के इक्वल, F1 आपके पास 6 के इक्वल आ गया। और आपको पता है कि F1 plus F2 जो है वो 16 के इक्वल है, तो F2 किसके इक्वल आ जाएगा, 16 माइनस F1 जो कि आ जाएगा 16 माइनस 6 जो कि आपके पास 10 के इक्वल। यहां तक समझ आ गई?
जो एमसीक्यू नंबर 11 का आंसर बन रहा है ना, देखिए F2 आपके पास 6 है और F1 आपके पास 6 है और F2 आपके पास 10 है, तो जो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है वो 6 और 10 बन रहा है, और ये ऑप्शन आपके पास इसकी जो करेक्ट है वो A है, ये आपके पास ऑप्शन